दोस्तों, नेट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कृपया जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नेट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो। गेहूं के रवा के एकदम स्वादिष्ट और क्रिस्पी लड्डू कैसे बनाने का उसका वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू हो जाते हैं। गेहूं का रवा जब चक्की से पीस के आता है तब उसे आटा छालने के छालनी से छानने का और जो बारीक रवा के व्यतिरिक्त बैलेंस रहता है उसको पिठी बोलते हैं। ये पिठी 1 किलो लिया, शक्कर 400 ग्राम लिया और शुद्ध घी 0.5 किलो लिया। पहले मैंने शक्कर को मिक्सर में बारीक करके लिया, फिर घी गरम करने को रखा और उसमें वो पिठी शक्कर डाली। शक्कर को पकने दिया। मेरा अंदाज था कि घी में शक्कर पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पक के पूरा नीचे उसका लेयर बन गया और वो शक्कर घी से बिल्कुल अलग हो गई। जनरली लड्डू बनाने के लिए बारीक रवा यानी पीठी घी में डाल के उसमें पीठी शक्कर डाल के मिलाया जाता है और लड्डू बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं घी अलग और चीनी अलग। इसमें मैंने बारीक वाला रवा यानी पीठी उसमें डाला और मिला के लिया। इस स्टेज पे आप चीनी को बाहर निकाल के ठंडा होने को रखिए और घी में रवा डालिए। मैंने जो घी और शक्कर में रवा डाला था तो उसमें शक्कर के अलग अलग लड्डू जैसे कड़क हो के रह गए, उसको अलग निकाल के मैंने मिक्सर में जाड़ा जाड़ा करके पीस के लिया और ये क्रिस्पी चीनी मैंने थोड़ा और घी डाल के रवा के उसमें मिला दी और थोड़ा सा 50 ग्राम पीठी शक्कर भी उसमें डाला और मिला के लिया। तो बहुत ही एकदम अच्छा लड्डू का मिश्रण तैयार हुआ और उसके मैंने लड्डू बनाए। 1 किलो रवा पीठी में लगभग 50 से भी जास्ती लड्डू बन गए और वो लड्डू भी बहुत स्वादिष्ट बन गए और बहुत क्रिस्पी बन गए और इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप बाकी लड्डू बाहर से लाना भूल ही जाएंगे। देख सकते हैं कितने सारे लड्डू बन गए। कृपया मेरे नेट ज्ञान चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लड्डू है और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ज़रूर कोशिश करो, आपको भी पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।